घर पर भवानी सामोता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी सामोता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सोभाग जी पीएस टू सीएम को रखो, इसको सोभाग जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये हैंडराइटिंग है उनकी खुद की, धर्मेंद्र जी की। ये आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब की हैंडराइटिंग है और इसके अंदर ये जो मैंने पढ़ा वही है। लिखा हुआ वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई। भवानी सामोता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी सामोता ने कहा कि मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं कि वो आपके जानकारी में 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सोभाग जी पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब से बात करके बताता हूं। ये उनका खुद की हैंडराइटिंग है, ये सर ये जो डायरी आप दिखा रहे हैं राजेंद्र जी, क्या दिखाइए, एक बार लिखा दिखाइए, क्या है डायरी, इसके बारे में बताइए। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर प्रेस करके और आपको ये जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर रहूंगा तो मैं जानकारी दूंगा। थोड़ा सा अब तफसील में हमको समझाएं, ये जो डायरी आपने पढ़ के हमें बताई, ये क्या कंप्लीट डायरी आपके पास है पूरी, या इसका कोई भाग मिसिंग है? मिसिंग भी है। कितना हिस्सा? अब वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, जो है उसमें से क्रिकेट संघ को लेकर के आपने कहा और चीजें भी, इसके बारे में बता दें क्रिकेट संघ, ये भवानी सामोता कौन है, सोभाग जी कौन है? आपको पता है तो सोभाग जी सीएम साहब के ओएसटी हैं और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है, और उससे पहले भवानी सामोता सारी क्रिकेट देखता है, ये मेरे ये सारा का सारा, और ये जो सिस्टम है आपको बता आगे और जानकारी देता हूँ। लेकिन धर्मेंद्र राठौर जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है, 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में है जो ईडी ने जब्त की थी, आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। आप रे हैंड राइटिंग मिला लो गोडा साहब, ये टुकड़ों में आप रिलीज करके क्या सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या, दबाव में लेने के लिए? एक साथ क्यों नहीं दे रहे? सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है,
मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं कौन तो कह रहा हूँ, रंधावा ने माफी मांगने के लिए प्रेस में कहा आपके सामने, बाकी लोग बोल रहे हैं। सर आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रफीक खान जी ने जो कि आदर्श नगर विधानसभा के विधायक हैं उन्होंने आपकी डायरी छीन ली थी, फिर ये कौन सी डायरी है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ डायरी के पार्ट थे, डायरी के पार्ट थे। आपसे मैं पूछ रहा था, मेरे हाथ में डायरी थी, हाउस में मेरे से छीनी गई। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के तकदीर के फैसले होते हैं राजस्थान की विधानसभा में, किसी से ऐसी डायरी छीनी जा सकती है? छीनने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, मुझे निष्कासित कर दिया। तो सर किरोड़ी लाल जी की तरह आपने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कैसे नहीं किया, क्या वजह रही कि विधानसभा में आप? देखिए मैं लेट हो गया था, मैं इसको टेबल करना चाह रहा था। अच्छा। मैं इसको विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, रिकॉर्ड में आ जाती सारी चीज। अभी तक आप जब पढ़ा उससे ऐसा लगता है कि राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव के वक्त पैसों के जरिए वोट खरीदे गए? 100% पैसे से वोट लिए गए। सर आज की एक प्राइवेट बॉडी है, जबकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार में मंत्री थे, तो सरकार से रिलेटेड चीजें क्यों नहीं ला रहे हैं, केवल आरसीए को टारगेट कर रहे हैं? आरसीए नहीं, वैभव गहलोत मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र है, वो उसके चेयरमैन है, वो भी लोकल बॉडी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।